यहाँ पे देखिए कुणाल और हमारे जो जो दोस्तों देखिए ये आ गया है, ये है खिचड़ी, ये है देखे ये चना, ये है देखे पुदीना का अचार। हेलो व्हाट्स अप गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी जो है मैं जा रहा हूँ बाजार और साथ में जो है मैं गुम्बा जाऊंगा, हमारे गांव का गुम्बा। दोस्तों देखिए स्कूटी जो है मैंने वहां पे रखा है कैरिज करके ऊपर, और अभी मैं जा रहा हूं गुम्बा। दोस्तों ऐसा कि आप लोगों ने अगले साल ब्लॉग में देखा ही होगा बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, इस साल भी बनाऊँगा। और साथ में ऐसा है कि इस बार मैं जाऊँगा मंटो बीट रोड के वहाँ जो गुम्बा है वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी वीडियो बनाऊँगा वहाँ का छोटा सा। तो उसके लिए जो है आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो पे, ठीक है। अभी मैं गुम्बा पहुँचने वाला हूँ दोस्तों से कि गुम्बा के यहाँ पे आ गए हम, और ये रहा हमारे गाँव का गुम्बा। चलिए चलते नीचे गुम्बा पे। देखिए हमारे प्रेम अंकल, हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग बुद्ध पूर्णिमा इन आवर मंटीवीटी स्टेट। दिस इज द गैलचिन छोली गुम्बा विच इज वन ऑफ द बेस्ट गुम्बा इन आवर सोसाइटी, दिस इन मंटीवीटी स्टेट। देर आर फाइव विलेजेस इन मंटीवीट, अमॉन्ग देम द ऑल द विलेजेस आर सपोर्टिंग टू सेलिब्रेट दिस बुद्ध जयंती ओवर हियर इन मंटीवीटी स्टेट। I wish all the best to all the followers of the Buddhism in the world. Thank you, uncle. Thank you very much. Welcome. चलिए अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देखिए आगे यहाँ गुम्बा पे आइए, देखिए बत्ती दिया वगैरह रेडी है, उसके बाद पूजा होगा उस टाइम पे ये सब जलाया जाएगा। जो है भगवान बुद्ध आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे, आपकी पे डिस्ट्रिक्ट बनाए रखे। तो ठीक है दोस्तों अभी मैं जो है बाजार जा रहा हूँ, देर से मैं आऊँगा पूजा वांग छापने के लिए। तो ठीक है अभी जो है मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो ऐसा है कि अभी जो है मैं अभी गुम्बा से निकल के आया हूँ, तो ऐसा है कि अभी जो है मैं आप लोग के साथ मिलते हैं कुछ देर बाद, क्योंकि मुझे अभी छोड़ लेके आना है। छो बोले तो वो जो मैं बताऊंगा आप लोगों को छो क्या चीज़ है, और इसके पहले वाला साल में मैंने बताया था कि वांग क्या चीज़ है, और उसके पहले वांग लेने के पहले ये छो लेके आना हमें। अभी वो मंटीवीट का जो गुम्बा है वहाँ भी मैं जाऊंगा, वहाँ पूजा पाठ क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों ऐसा है कि मैं अभी जो है मंटीवीट के यहाँ पर आ गया हूँ। ऐसा दोस्तों ये जो है रैली, ये रैली यहाँ से स्टार्ट होने वाला बस टर्मिनस के वहाँ से होते हुए जाएगी, और वहाँ से होते हुए हॉस्पिटल रोड जो है बर्धमान रोड, वहाँ से स्टेशन रोड के वहाँ से होते हुए जो सनशाइन स्कूल, इस सनशाइन स्कूल के वहाँ से होते हुए रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन से होते हुए फिर आएगा पंखावाड़ी रोड, पंखावाड़ी रोड से होते हुए फिर पार्क से होते हुए यहाँ पर आएगी ये रैली। सब अभी कतार में खड़े, अभी ये जो शोभा यात्रा जो अभी स्टार्ट होने वाला है, और मैं वहाँ गुम्बा के वहाँ भी लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए कुणाल और हमारे जो जो यहाँ पे दोस्तों अभी वहाँ से निकल गए, यहाँ पे आए फिलहाल बाहर की ओर। ना
ना गाड़ी छोड़ दिया लो, तो अभी ये डेली यहाँ से निकल रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ बाजार। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी मैं बाजार से आया हूँ और मैंने कहा था कि छो क्या चीज़ है मैं बताऊँगा। तो छो जो है, छो को कहते हैं प्रसाद, जो चराया जाता है चराने के पहले। तो वही बुद्धिस्ट भाषा में जो है उसे छो कहते हैं। तो वही मैं छो लेके आया हूँ प्रसाद। तो अभी जो है भगवान को चढ़ाना है। तो अभी जो है मैं गुम्बा पहुँचने वाला हूँ हमारे गांव का। और ऐसा है कि देखिए अभी यहाँ देखिए लड़का लोग सेल्फी लेते हुए, हमारे ऋतिक भाई, वंगदी भाई, आरोगेश भाई, अंदा मोचे जूनी। तो पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी जो मैं छो देखे आया हूँ और अभी जो है घर जाना है। दोपहर को फिर से आना है कोमल किसा रियात के साथ। यहाँ पे स्कूटी रखे, अभी स्कूटी लेके मैं घर जाने वाला हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद। One hour later. तो दोस्तों ऐसा है कि मैं घर गया था, घर जाके खाना वाना भी खा लिए। खाना वाना खाने के बाद अभी जो है मैं कोमल किसा और रियात आगे हम लोग जा रहे हैं अभी फिर से गुम्बा की तरफ वांग लेने के लिए। और आप लोगों को फिर से थोड़ा सा जो है रोड अपडेट दे दूंगा। ये देखिए अभी इस लाइन में पत्थर डाल रहा है यहाँ पे फूफू हमारे। ये जो यहाँ पे अभी स्टोन वगैरह जो है बिछा रहा है इस लाइन पे। और ये रहा देखिए हमारे टावर यहाँ का। तो दोस्तों अभी देखिए देवाली डारा के यहाँ पे अभी काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टोन के ऊपर ऑयल देते हुए। तो ठीक है दोस्तों, अभी जो है वहाँ पे गुम्बा है, गुम्बा के वहाँ पहुँच कर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों लगभग आ चुके हैं अभी जो है देखिए अभी यहाँ पे है गुम्बा। तो अभी जो है ये सीढ़ी होके जाना है। अभी ये देखिए कोमल लोग जा रही है। तो ठीक है वहीं पहुँच कर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। Thank you.
तो ऐसा कि अभी जो है मंदिर से हम लोग निकले हैं गुम्बा से, और यहाँ पे जो अभी हम लोग जो है प्रसाद खाने के लिए आए दोस्तों। देखिए ये आ गया है, ये है खिचड़ी, ये है देखे ये चना, ये है देखे पुदीना का अचार, खिचड़ी, चाय, और यहाँ देखिए कोमल कीसा रियात खा रहा देखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये खाने के बाद वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। A few moments later. तो दोस्तों ऐसा है कि अभी मैं बाजार आया हूँ, हमारे गुम्बा में जो है प्रसाद वगैरह खा लिए, तो बाजार में थोड़ा सा काम था तो इसलिए आया हूँ। और यहाँ का जो है तामंग गुम्बा जो मंटुबीट का है, वहाँ का भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बहुत ही भीड़ है, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए भीड़ कहाँ तक है यार, सब कतार में खड़े है। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि मंटुबीट का जो गुम्बा है वहाँ पे कितना भीड़ है, सब कतार में खड़े है वांग लेने के लिए। मैं गया नहीं वहाँ पे क्योंकि इतना भीड़ है, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा और वीडियो में भी एडिट करना है इसीलिए। तो ठीक है, जो भी हो आप लोग के साथ मिलते कुछ देर बाद, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी आ गया हूँ अपने घर पर, यहाँ देखिए तो बेचारा हमारे पूछू जो है वो भी बीमार हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसके पैर में चोट है, उसको दवाई वगैरह दे रहे, देखिए बेचारा क्या हाल हो गया। देखिए बच्चा 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 बसा बसा बसा, देखिए बेचारा अच्छा ही था, अचानक से क्या हो गया देखिए इसको, यहाँ ऊँची भी चल, देखिए चलने में भी इसको कष्ट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, दवाई तो दे रहे फिर भी असर नहीं हो रहा, बेचारा रात भर चिल्ला रहा है। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा बेचारा अभी जो है ऊँचू बेचारा सो रहा है, उसको पता नहीं क्या हुआ अचानक से दोनों पैर के जो जांग है, जांग के बीच में जो है खरोच आया था हल्का सा, वहीं से उसका फूल गया है। तो जो भी दवाई वगैरह दे रहे हैं उसका, लेकिन फिर भी कुछ असर लग नहीं रहा कि कुछ असर हो रहा है, तो बेचारा रात भर चिल्लाता है, वो माया भी लगता है बहुत ही। तो जो भी हो आज के ब्लॉग यहीं तक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है, आप लोग के साथ मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।